नवजात शिशुओं में स्वास्थ्य जटिलताएं कभी भी बढ़ सकती हैं, यहाँ तक कि इससे नवजात की जान भी जा सकती है। हालांकि नवजातों में होने वाली गंभीर समस्याओं का निदान कभी कभी कंगारू मदर केयर से बहुत आसानी से घर पर भी किया जा सकता है। कंगारू मदर केयर में माँ या घर का कोई भी सदस्य नवजात को अपनी छाती से चिपकाकर उसको शरीर की गर्मी देते हैं। इस थेरेपी से नवजात को कोई गंभीर समस्याओं से उबारने में सहायता मिलती है। इसी को देखते हुए बाराबंकी ज़िला महिला चिकित्सालय में मदर एंड न्यूनेटल केयर यूनिट के माध्यम से संचालित कंगारू मदर केयर यूनिट शुरू की गई है। यह कंगारू मदर केयर यानी KMC वार्ड सुरक्षित प्रसव के बाद मां और बच्चे के बेहतर उपचार के लिए स्थापित किया गया है। दरअसल KMC तकनीक द्वारा मां अपने शिशु को सीने से लगा कर रखती है, जिससे शिशुओं को थेरेपी मिलती है। नवजात शिशुओं के विकास में KMC तकनीक काफ़ी लाभकारी साबित होती है। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या सचदेवा है। ये जो यहाँ पर बच्चों के साथ जो थेरेपी माँ देती है, क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसका? कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी जैसे कंगारू होता है अपने बच्चे को पूरे टाइम स्किन टू स्किन टच में रखता है, उससे क्या होता है वो प्रोटेक्शन भी होता है, एक हीट भी प्रोवाइड होती है, इन्फेक्शंस के चांसेस कम होते हैं और वेट गेन जल्दी होता है। क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को लगा के रखती है तो माँ का भी मिल्क प्रोडक्शन बेटर होता है, बच्चा क्राई करता है, सीने से लगा होता है, अटैचमेंट प्रॉपर होता है बच्चे का भी मदर से, तो मदर का मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बच्चे को फीड एडिक्वेट मिलेगा, तो अल्टीमेटली वेट गेन होगा एंड इन्फेक्शंस के चांसेस डिक्रीज होते हैं और मोर्टैलिटी डिक्रीज कर देता है ये बहुत हद तक। वेट गेन कितने दिन में लगभग शुरू हो जाता है इस तरीके से? अगर स्टार्टिंग में जैसे बच्चा 2.5 किलो के कम है, अगर हम कंगारू मदर केयर हर मतलब एक दिन में 5 से 6 घंटे अगर कराते हैं तो 10% वेट गेन के चांसेस होते हैं। तो इससे बहुत जल्दी जल्दी वेट गेन होता है। एंड जैसे हमारे पास ये बच्चा है, ये जब डिलीवर हुआ था तो इसका 750 किलो वेट था। पहले ये ऑब्जर्वेशन में रहा, पहले स्टार्टिंग में कैंगरू मदर केयर हमने स्टार्ट करा इसके 8 to 10 days पे, जब बच्चा थोड़ा हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो गया। आज इस बच्चे का वेट 810 हो गया। तो वो जब इनकी मदर ने प्रॉपर 5 से 6 घंटे कंगारू मदर केयर अच्छे से कराई तो इस बच्चे का वेट गेन हो गया। क्या दिक्कत थी बच्चे को? बच्चा थोड़ा क्रिटिकल था, लेकिन जब यहाँ लेके आए तो मतलब सिचुएशन ख़राब थी, लेकिन जब वो मतलब थोड़ा वो हुआ मेंटेनेंस हुई ना तो वो थोड़ा ठीक हुआ। जब उसको अपने पास रखते तो काफ़ी वजन भी उसका कम था, वजन भी मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है वजन में। डॉक्टर क्या बताते हैं कैसे? नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि जब लेके यहाँ मतलब सही था तो थोड़ा क्रिटिकल था, लेकिन जब मतलब फीडिंग के लिए दिया गया था तो वो मतलब थोड़ा सा उसका वजन भी काफ़ी कम था, वो भी मतलब सही हुआ है काफी। तो बच्चे को अपने पास आकर कितने दिन भर कितने टाइम रखती है बच्चे को, कितना उससे वजन बढ़ रहा है? वजन तो काफ़ी बढ़ा है, मतलब बहुत कम था लेकिन अब बहुत सही है, मतलब वजन काफ़ी सही है इसका। कितने घंटे दिन भर में अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर? आधा घंटा तो मैक्सिमम रखते हैं, 4 आवर्स मतलब पूरा ऐसा रहता है। ये सुविधा शुरू हुई है सरकारी अस्पताल में, खुश हैं इससे? हाँ, बहुत पहली बार आए लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा ट्रीटमेंट मिला? जी जी, काफ़ी बेटर ट्रीटमेंट। डॉक्टर कितना कोऑपरेट किया आपसे? डॉक्टर ने तो बहुत किया, मतलब इतना उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी डॉक्टर ने तो सब कुछ किया। डॉक्टर की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था हमेशा। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, CMS कंगारू केयर यूनिट शुरू हुई है जिला अस्पताल कहिया में। जी जी, कैसा इंस्टीट्यूशन, क्या फ़ायदे मिलेंगे इससे मदर और बेबी? इससे फ़ायदे ये मिलेंगे कि जो हमारे 250 मतलब 2.5 किलो के जो बच्चे थे उससे जो कम बच्चे हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे, मदर साथ में रहेंगी और जब तक वो 2.5 किलो के नहीं हो जाते उसके बाद ही हम उनको डिस्चार्ज करेंगे। बाकी उसके लिए सारी सुविधाएँ मदर की फीडिंग का है वो कराएंगी, सप्लीमेंट हम देंगे, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। और अभी हमारे पास 5 बेड हैं और जल्दी ही मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 20 बेड का हो। इससे यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जो गरीब हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा इस चीज़ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेट गेन के लिए बड़ी अच्छी। हाँ अच्छी थेरेपी क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, कैसे बच्चे इतने जल्दी रिलीफ होते हैं, कैसे जल्दी कैसे उनको इतने फायदा मिलता है, मतलब रिकवर कितने करते हैं?
वो मदर के साथ में अटैचमेंट को कराते हैं, मदर को अच्छा फीड देते हैं, फीडिंग वो कराती हैं। मतलब एक तरह से जैसे कंगारू होता है अपने बच्चे को अंदर पेट में रखता है, सेम प्रोसीजर वही है कि हम उसी पद्धति पे जा रहे हैं कि वो जितना बच्चा अपनी मदर के साथ में रहेगा, मदर को अच्छा फूड सप्लीमेंट मिलेगा, फीडिंग अच्छा करेगा, उसको फ़ायदा मिल जाएगा।